तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट। मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो ये है कि जब भी कोई ब्लॉगिंग करता है या वेबसाइट बनाने के काम करता है तो उनमें एक प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी, मतलब उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना तो ज़रूर करना पड़ता होगा जो बिगनर्स है। मैं यहाँ पे कोट कर दूँ, जो बिगनर्स है उनके लिए ये वीडियो है। भाई साहब, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम अगर एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो अगर हम लोकल कंप्यूटर में हैं तो हमें कोई भी इमेज ऐड करना है। मान लीजिए कि मेरे पास ये इमेज है, मैं डोनेशन का एक स्टैटिक वेब पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज को अगर अपने वेब पेज में डालना चाहता हूँ और ये मेरा लोकल कंप्यूटर है, तो मैं बहुत ईजिली इसके पाथ को क्या करूँगा, कट करूँगा और img src = इस पाथ को पेस्ट कर दूंगा। हाँ, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर हम जब इस वेब पेज को लोड करना चाहते हैं, यानी अपलोड करना चाहते हैं, जहाँ पे यानी किसी भी हम मान लीजिए कि किसी भी होस्ट में, ब्लॉगर में या वर्डप्रेस में हम इसे होस्ट करना चाहते हैं अपने इस वेब पेज को, कि भाई साहब सब इस पे आ सके, जितने भी लोगों को मैं शेयर करूँ उस लिंक से उस पे जा सके, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे स्टैटिक वेब पेज को हमें होस्ट करना पड़ता है। तो भाई साहब, तभी हमारा एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हम इस इमेज का लिंक कहाँ से बनाएं ताकि हम img src = और उस इमेज का लिंक डाल सके। बहुत लोग बहुत सारे तरकीब अपनाते हैं लेकिन कभी कभार फंस जाते हैं, तो आज मैं इसको सबसे इजी टेक्निक में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मेरा ये इमेज है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद, जैसे कि मेरा पहले से खुला हुआ लेकिन मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, आपको लिखना यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, मीडिया फायर और एंटर कर देना है। आपके पास पहला जो आएगा www.mediafire.com, उसको ओपन कर लेना है। मेरा जैसे यहाँ पे ओपन किया हुआ है ये मीडिया फायर। आपको यहाँ पे आप इसे फ्री कभी, यानी बिना साइन इन करे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरा जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, तो बेहतर यही होगा कि आप एक अपने अकाउंट से साइन इन कर ले। एक बार आप साइन इन कर लेते हैं तो भाई साहब आपको यहाँ पे मिलता है अपलोड करने का, आप किसी भी अपने वीडियोज़ या फोटोज़ को, इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए, ये एक तरह का आपका गूगल ड्राइव की तरह काम करता है, यानी ये एक क्लाउड है जहाँ पे आप अपने जितने भी फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस एक्सेट्रा है सबको यहाँ अपलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्पेस को फ्री कर सकते हैं। पर आज हम उसे डिस्कस करने नहीं आए, हम ये डिस्कस करने आए हैं कि उस इमेज का हमें लिंक कैसे मिलेगा। तो भाई साहब देखिए, मैंने इस इमेज को पहले यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इस इमेज को एक बार ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे इमेज अपलोड किया हुआ है। अगर आपको अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार दिखा दूँ कैसे अपलोड किया जाता है। ये देखिए, जैसे ही आप मीडिया फायर को ओपन करेंगे, ये पहले लोड हो रहा है आपका। जैसे ही लोड हो जाएगा आप ऊपर में देख सकते हैं आपको अपलोड का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरे कर्सर को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही इस पर अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको बोलेगा फाइल को अपने अपलोड करना। आप इस प्लस साइन पे क्लिक करके अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके अपने फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं। बहुत ईजी था। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि कैसे, एक बार में आपका फाइल अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत लोग क्या होता है इस जगह पे जाके इसका जो यहाँ पे लिंक मिला हुआ है, इस वेब पेज के लिंक को जाके पेस्ट करते हैं, पर इससे काम नहीं बनता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको शेयर पे क्लिक करना है। चलिए, मैंने शेयर पे क्लिक कर लिया, ये लोड होता है और आपको बहुत सारे शेयर के ऑप्शन देता है। लेकिन दोस्तों, ये कॉपी लिंक करने से भी आपका काम नहीं बनेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप नीचे में देखते होंगे इस ब्लू कलर के लिंक को, यहाँ पे मोर शेयरिंग ऑप्शंस, आपको इसी को क्लिक करना है। मैंने मोर शेयरिंग ऑप्शंस को क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको मिलता है डायरेक्ट लिंक। इस डायरेक्ट लिंक को आपको कॉपी करना है। और अब मैं और एक चीज़ बताना भूल गया, देखिए कि जैसे कि मैं एक स्टैटिक वेब पेज बना रहा हूँ और ये वेब पेज मेरा अभी तक इतना बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बस लिखा हुआ है वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवर स्मार्ट और ये एक PNG घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज लगाना है और इमेज इस जो स्टैटिक वेब पेज को मुझे होस्ट करना है, ताकि मैं आपको बता सकूं भाई साहब मैंने जो इमेज डाला है वो अब कहीं भी आप अपलोड कर ले, चाहे ब्लॉगर हो या वर्डप्रेस हो, वो इमेज आ रहा है। ऐसे नहीं कि लोकल कंप्यूटर में सिर्फ हो रहा है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ img src = और यहाँ पे मैं अपना लिंक जो वहाँ से कॉपी किया हूँ, डायरेक्ट लिंक, उसे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे इमेज आ चुका है। और इस इमेज का एक ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि अगर आप इसे कहीं पे भी आप कहीं पे भी इसे अपलोड करेंगे तो ये इमेज जो है आपका हर वक्त दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होता है बोलते हैं कि भाई लोकल कंप्यूटर में तो हमारा काम करता करेगा ना, क्योंकि लोकल कंप्यूटर आप समझ नहीं रहे, लोकल कंप्यूटर में आपका इमेज था और आप भी उस लोकल कंप्यूटर में काम कर रहे, इसलिए पाथ आपको अवेलेबल था। लेकिन जैसे ही आप उस इमेज, इस लिंक को, इस वेब पेज के लिंक को आप शेयर करते हैं, दूसरे लोग जब उसे अपने कंप्यूटर में खोलते हैं तो उनके पास तो वो इमेज नहीं था, इसलिए वो इमेज वहाँ पर उन्हें शो नहीं करता। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब आप वेबसाइट पर काम करने लगेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्हें समझ में आ रहा होगा उनका डाउट
प्योरली मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप किसी भी इमेज का लिंक मीडिया फायर का यूज करते हुए बना सकते हैं, और इस डायरेक्ट लिंक को आप कहीं पे भी पेस्ट करके अपने, यानी इससे आपको क्या हो गया, आपका इमेज का आपको यहाँ से लिंक मिल गया, आप कहीं पे भी आप IMGSRC = उस लिंक को पेस्ट करके अपनी इमेज को यूज कर सकते हैं वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वीडियो जरूर आया, लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।